नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर है कैमूर जिला से, जहां कैमूर में शनिवार को चैनपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर में भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई, जिससे दो लोगों को गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक को गोली लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में चैनपुर निवासी 36 वर्षीय कफुल वरा एवं 8 वर्षीय महेश प्रसाद गौंड बताया जाता है। दोनों का सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि चैनपुर निवासी कमरू होदा के 22 वर्षीय पुत्र रजाउल हक की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जम्मा खान ने कहा कि उस गांव का बेटा हूं और यह एक निंदनीय घटना है। गोली कांड में घटना का जो भी अंजाम होगा, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और अपराधी को दबोच लिया जाएगा। मामला कुछ नहीं भाई, एक तो जमीन था वही हम लोग उठा रहे थे, 144 की आदत तो 44 खत्म हो गया। बाकी भाई अब खत्म हो गया तो हम लोग काम लगाए, वही बस निकाल करके कौन मारा? कौशल अंसारी। और कौशल बस वही किस चीज़ से मारा था? गोली से। कौन सा बोली? अब तो ऊपर छत पे से मार रहा था। किस चीज़ से मारा? पटीदार है आप लोग? हाँ, खानदान से है, दूर में है। कितना डिसमिल का मकान जमीन का लफड़ा था? 5 डिसमिल का प्लॉट है, 2.5 डिसमिल उसके हिस्से की है, 2.5 डिसमिल को जमीन पूरा है। कुछ जमीन लोग दीजिए बोलना, देखना है ना भाई।